अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है हम सब? तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं? तो छत के हाल ये देख लें दोबारा से। कल तकरीबन काफ़ी पूरा दिन नहीं लगा लें बारिश होती रही है और मेरा गला फिर से ख़राब हो चुका है। थोड़ा सा ख़राब था फिर गर्मी में, उसी मैंने ऊपर काम किया कुछ और ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब पता नहीं कितने दिन ख़राब रहेगा। उसके अलावा आज स्पेशल शाम का टाइम है तो सुबह वीडियो वगैरह तो कोई भी नहीं बनाई क्योंकि मैं आई नहीं छत पे। वैसे भी दो वीडियोस थी जो मैंने परसों बनाई थी। तो आज अलीज़े नहीं लाइबा, सॉरी लाइबा, उनकी बर्थडे है तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मेरे लिए व्लॉग ज़रूर बनाएं और सारे टेक्सचर क्रम्बल करें, ग्रीटी चारकोल भी करें और एक और कौन सा कहा था, मतलब मल्टी टेक्सचर क्रम्बल करें। लेकिन ये देखें ना, क्योंकि बारिश के अभी भी आसार है, मैंने कहा ये कि हो सकता है आज भी बारिश हो जाए और सारे टेक्सचर तो मैं क्रम्बल नहीं कर सकती। सो सॉरी, कुछ क्रम्बल करूँगी। लेकिन एक और बैड न्यूज़ है, ये देखें ज़रा, जो ये ब्लैक टेक्सचर है ना, मल्टी टेक्सचर, वो पीछे पड़ा हुआ है और इधर कहीं चिपली घुसी हुई है, पता नहीं कहाँ घुसी। और मैं तो इस साइड पर अगर क्रम्बल करूँगी उधर आ जाएगी अंदर, तो इसके लिए भी माजरत। आपके बर्थडे कर लें ऐसे, लेकिन आपके लिए मैं नहीं बना सकती। वैसे व्लॉग मैं ज़रूर बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला, ज़रूर इंशाल्लाह ताला, ठीक है। और व्लॉग आपके लिए आइए, आपको डेडिकेट करेंगे। लेकिन कुछ मजबूरियाँ, और ये देखें शेप्स फिर से भीग चुकी हैं, शीट्स देने से भी भीग गई हैं क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती रही है। हवा के साथ उड़ उड़ के शीट्स भी इधर उधर हो जाती हैं। जब बारिश स्टार्ट होती है ना, बहुत एकदम तेज़ होती है, फिर बंदा सोचता है क्या करे। ये मटकी भी थोड़ी क्रम्बलिंग करती हूँ, मट से भी उठा दो थोड़ा, क्योंकि मटकी क्रम्बलिंग करते हैं, क्योंकि आप लोग कहते हैं मट के पास जाती नहीं है, हालांकि मैं इतनी मट क्रम्बल करती हूँ और स्टार्ट में वहाँ से करती हूँ आपके लिए क्रम्बलिंग। कुछ टेक्सचर कर दूँगी क्रम्बल, बाकी फिर ये अधूरा लोग फिर सही। अच्छा, फरा सैफ है, उनके लिए भी व्लॉग बनाना। वो कहती हैं आपको तो मैं नज़र ही नहीं, हम लोग तो नज़र ही नहीं आते, आप हमारे लिए व्लॉग ही नहीं बनाती। तो इंशाल्लाह ताला मैंने सोचा दो व्लॉग बना लेते हैं। तो एक और मैं बोल लूँगी, कम पहले बहुत बोल लिया, वैसे गला ख़राब है और आवाज़ फिर सही नहीं निकलेगी। फटाफट क्रम्बलिंग करते हैं। ओके, कल पूरा दिन बारिश हुई है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, बस बस भरा हुआ है, हवा भी नहीं थोड़ी सी चल रही। चलो, ग्रीटी टेक्सचर की रिक्वेस्ट थी ना, एक ग्रीटी तो ये हो गया आपके लिए। क्योंकि मैं कह रही जब तक स्लैब नहीं बनती ईंटें जोड़ लेंगे।
नीचे शेप्स हैं लेकिन वो टूट रही हैं। चलो ये चारकोल का उसने वीडियो बनाई थी इधर, तो इसी के साथ की वो दो रह गई थी बकेट, वो पहले मैं कर लेती हूँ क्रम्बल। चलें थोड़ी सी क्रैकिंग करते हैं जल्दी जल्दी। ये फुल डैम टेक्सचर हुआ पड़ा है और इसका कोई साउंड भी नहीं है। चलो इसकी ये ये है तो थोड़ा डैम है, तो अलीज़े क्यों निकल रहा है। अच्छा लाइ भाई आपके लिए करते हैं क्रम्बल स्पेशल, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपको हैप्पी बर्थडे, और अल्लाह ताला आपको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे कोई गम आपके पास ना आए। अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल में कामयाब करे, अपने मकासद में सदा हंसती मुस्कुराती रहे। अभी सारा एक टेक्सचर है, इसको अगर इधर कंबल के फिर इसने मिक्स हो जाने, इसको रहने ही देती हूँ मैं इधर ही। यहाँ भी वैसे चारकोल टेक्सचर पड़ा हुआ है, ये मेरा पिंक शेड में है टेक्सचर, ग्रिटी है लेकिन कोई और देख लेते हैं यार, क्योंकि ये ब्लैक सैंड है, इस काफ़ी देर से इसकी वीडियो नहीं बनाई हुई। मुझे लगता है कि हर दफ़ा ये कि देखे ना किनारों से गीली हो जाती है, फिर इसकी वीडियो नहीं बन पाती। ये जो स्लैब है ना इसमें तकरीबन चारकोल टेक्सचर ही पड़े हुए हैं ज़्यादा। खैर थोड़ी सी हम इसी टप में क्रिमलिंग करते हैं और थोड़ी सी क्लेपोट में कर लेंगे।
फिर वो बाकी वो वाली शेप्स फ्लेवर में हो गया कि नहीं? क्ले पॉट अभी खाली हो रहा है तो हम इसकी टप खाली करते क्योंकि इसी के अंदर फिर हम तो वो टेक्सचर क्रम्बल कर लेंगे। टप जितने भी हो ना उतने थोड़े होते हैं। अच्छा मल्टी स्टोन टेक्सचर है एक मेरा और एक है मल्टी ग्रेनी टेक्सचर। अब मुझे ये नहीं याद आपने कहा कौन से वाला था तो देख लेते हैं कौन सा करना है। टाइम लगेगा? चलिए इसमें पहले क्योर करते हैं, इसको बाद में क्ले पॉट में कर लेंगे। इधर चलो ये वाला हम टप में कर लेते हैं। हार्ड लग रहा है मुझे थोड़ा टप में। ये तो उस टेक्सचर की शेप लग रही है जो कल हमने क्रम्बल किया लोग में, पता नहीं क्यों वही लग रही है। वैसे अच्छा ये ज़रा सॉफ्ट है सेम ही टेक्सचर लग रहा मुझे। हाँ जी शायद बारिश की वजह से हार्ड हो गई हो। चलें जी क्ले पॉट बेचारा फुल मैसी हुआ पड़ा। खैर है चले चले सीधे चलें जल्दी जल्दी लोग खत्म करें।
चलिए ठीक है, वहाँ हम क्रम्बलिंग कर रहे थे तो उसको वहीं रोकना पड़ा। ये भी देखें ज़रा क्ले पॉट कैसे चमक रहे हैं। तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे बस करती हूँ क्योंकि एक और व्लॉग बनाना है। ओके, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।